क्या नाम है आपका? राम नरेश यादव। कहाँ के रहने वाले हो? कर्णपुरा गांव। क्या घटना घटी है आपके साथ? हमारी 50 बीघा जमीन, एक ट्यूबवेल, एक ट्रैक्टर, एक जैतपुर में प्लाट है, बाबा कब्जा किए हैं और घर पर कर्णपुरा के पूरा कब्जा किए हैं हमारे चाचा के लड़के। उसको हमारे हमें दे रही रहे, हम उसको अपना हिस्सा मांग रहे, बोला आपका यहाँ पर कुछ नहीं है, गोली मार के तुम्हें उड़ा देंगे बाप बेटा को, जिंदा नहीं तुम्हें रहने देंगे। इसको लेकर आपने पहले कहीं शिकायत वगैरह दर्ज कराई थी? हमने साहब शुरू में SHO खेरा राठौर को बताया, CO सिटी बाहा को बताया, ADM बाहा को बताया, DM बाहा को बताया, मुख्यमंत्री को इंटरनेट पे एप्लीकेशन भेजी योगी साहब को, आज तक हमें और BSF से हमने लेटर भिजवाए DM साहब के लिए, कोई भी हलचल नहीं मिली शासन में। आज क्या घटना घटी? आज मैं रह रहा हूँ इटावा में, इटावा से मैं आया, हमने किसी जमीन को मतलब आगे 6 तारीख को इन्हें बोला आ जाओ जमीन बांट लेते हैं, तो जमीन बंटने लगी। अब आज फिर मेरे को फोन करके बुलाया कि आज ये घर वाला हिस्सा इसको बांटते आओ। जैसे ही घर पे पहुंचे वैसे ही उनने कहा कि आप जमीन बांट रहे हैं, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें रहने नहीं देंगे, यहाँ से निकल जाओ। नहीं, जो आप पे हमला किया है वो कौन हो गए? हमला करने वाले मेरे चाचा विजय राम कुलाड़ी के साथ, रामबरेश कट्टा के साथ, राम ज्ञान कट्टा के साथ, विनय कुलाड़ी के साथ, अंकु कुलाड़ी के साथ, अभिषेक कुलाड़ी के साथ, एक उनका छोटा लड़का विजय राम का नाती कुलाड़ी के साथ, 6 लोगों ने हमसे दादार और कट्टों से हमला किया। आपके साथ और कोई घायल हुआ है? हमारे हम और हमारा बेटा, हम दो ही हैं, दो ही घायल, दोनों मरणासन में डाल के हम गए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।